ही फूक्स, वेलकम टू माई लिटरेरी व्लॉग। आज मैं ओनली फॉर यू कृष्णा सेक्शन में रसखान के कुछ दोहे पढ़ने जा रही हूँ। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का स्थान बहुत विशेष माना जाता है। उन्हें रस की खान भी कहा जाता है। उनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। मथुरा जिले के महाबन में उनकी समाधि है। मानस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नितनंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम की डारन। इन पंक्तियों द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगली जन्म में उन्हें मनुष्य ने मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का अवसर पाना चाहते हैं। अगर पशु योनि प्राप्त हो तो वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं, ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सकें। अगर वे पत्थर भी बन जाएं तो भी उस पर्वत का, जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदंब के डालों में बसेरा डालें। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो वह उसके लिए भी तैयार है। या लकुटी अरु कामर या पर रास तिहुपुर को तजिदारू। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारू। रसखान कबो इन आखुन सिंह, ब्रिज के बनबाग तड़ाग निहारू। कौटिक हु कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू। यहाँ रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज भी त्यागना पड़े तो वे भी त्याग देंगी। वे इसके लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने की 100 महल निछावर करने को तैयार है। काननी दे अंगुरी रही हो, जब ही मुरली धुनिमंद बजे है। मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोधुन, गेहे पे गेहे। तेरी कहूं सिगरे ब्रज लोगनी, काली कोई कितनो समझे है। माई री वा मुख की मुस्कान, सम्हारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे।
इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें वह मधुर संगीत ना सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है, जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं, कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले ना संभलेगी, और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई हैं।